Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So today we are going to read a chapter named The Lost Ruby. So let's start the chapter. This traditional tale told by Ruskin Bond is set in ancient India. The story is about a king and his minister. The story gives us an idea of what kings liked in those days. Like most traditional stories, this story too has a मॉरल. ठीक है, ये एक मॉरल स्टोरी है जो कि एंशियंट टाइम के बारे में हमें बताई गई है और इसमें एक राजा है और एक मिनिस्टर है, उनके बीच की कन्वर्जेशन हमें बताई गई है. तो चलिए शुरू करते हैं. द लॉस्ट रूबी. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वॉज अ ग्रेट एंड पावरफुल मोनार्च. वन डे ही वॉज वेरी सैड एंड द चीफ मिनिस्टर हु वॉज अ गुड एंड वाइज मैन आस्क्ड हिम, डिफेंडर ऑफ द वर्ल्ड, Why is your spirit sad today? Your majesty ought not to allow grief to trouble your mind. एक बार की बात है बच्चों, एक राजा था, वो बहुत sad था, वो बहुत दुखी था कि मेरा क्या होगा. वो बहुत अपने बारे में बहुत सोच रहा था, तो उस सोच सोच के वो बहुत दुखी हो रहा था. तो उसका मिनिस्टर उसके पास आया और उससे बोला कि भाई आपके दुख का कारण क्या है, आप कितने क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, आपको तो खुश रहना चाहिए. द किंग वुड नॉट टेल हिम हिज ग्रीफ. On the contrary, he resented his good minister's concern for him. It is all very well for you to talk, he said, but if you had reason to be sad, I'm sure you would find it impossible to practice what you have just suggested. ठीक है, अब उस किंग ने अपने मिनिस्टर को अपने दुख का कारण नहीं बताया, बल्कि उससे उल्टा बोला कि भाई तुम कैसे हमेशा मतलब खुशी रह सकते हो, क्योंकि उसके मिनिस्टर ने क्या एडवाइस की थी, उसको खुश रहने की एडवाइस की थी. तो कहता है कि तुम क्यों खुश रहोगे जब तुम्हें तुम्हारे पास दुख का कारण है, तुम जब तुम जानते हो कि तुम क्यों दुखी हो, तुम हमेशा खुश तो नहीं रह सकते. ठीक है, वो उसे बताता है कि जब तुम मेरी सिचुएशन में आओगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई दुख क्या होता है, फिर तुम्हें भी क्या होगी, टेंशन होगी. द किंग डिसाइडेड टू पुट हिज चीफ मिनिस्टर टू द टेस्ट. ही गेव द मिनिस्टर अ रूबी ऑफ ग्रेट प्राइस एंड टोल्ड हिम टू लुक आफ्टर इट विद ग्रेट केयर. ठीक है, अब इस किंग ने क्या किया, डिसाइड किया उस मिनिस्टर का टेस्ट लेने का. तो उसने अपनी रूबी की एक रिंग थी वो उसको दे दी और कहा कि तुम इसकी क्या करो, रखवाली करो और इसकी अच्छे से केयर करना. आफ्टर द विली किंग हैड गिवन द रूबी टू हिज मिनिस्टर, ही ऑर्डर्ड फीमेल स्पाइस टू फॉलो हिम एंड मार्क वेयर ही केप्ट द ज्वेल. आफ्टर अ फ्यू डेज ही ब्राइब्ड द स्टूवर्ड ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस होल्ड टू स्टील इट फॉर हिम. When the jewel was brought to him, he deliberately threw it in the river. ठीक है, अब उसने क्या किया, उसको रिंग दे दी कि भाई तुम इसको अपने पास रखो, अपने पास इसको संभाल के रखना. फिर उसने क्या किया, कुछ फीमेल स्पाइस को, जासूस को उसके पीछे लगा दिया कि जाओ जाके देख के आओ कि इस रूबी रिंग को कहाँ रखता है. ठीक है, फिर जैसे उन्होंने आके बताया कि भाई हाँ उसने रूबी रिंग छुपा दी ऐसी जगह, फिर उसने एक सर्वेंट को बुलाया और उससे कहा कि तुम ये रूबी रिंग उस मिनिस्टर से चुरा के वापस मेरे पास ले आओ. ठीक है, अब जब वहाँ पे सुनार आया तो उसने क्या किया, उसने उसको फेंक दिया कहाँ पे, एक रिवर में. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर, वेयर इज द रूबी विच आई गेव यू द अदर डे. द मिनिस्टर रिप्लाइड, आई हैव इट, डिफेंडर ऑफ द वर्ल्ड. वेल देन, सेड द किंग, गो एंड फेच इट फॉर आई वॉन्ट इट राइट अवे. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिनिस्टर आया तो राजा ने उसको कहा, अब राजा ने तो वो रिंग क्या कर दी थी, उससे ले ली थी मतलब चुरा ली थी और उसको कहाँ फेंक दिया था, रिवर में फेंक दिया था. तो राजा को लगा अब तो उसको रिंग मिलेगी ही नहीं, तो उसने उससे नेक्स्ट डे पूछा कि भाई लाओ वो रूबी रिंग मुझे वापस दे दो जो मैंने तुम्हें दी थी. तो उसने कहा कि हाँ मैंने रखी हुई है, मैं अभी आपके पास उसे लेकर आता हूँ. इमेजिन द पुअर मिनिस्टर्स अमेजमेंट व्हेन ही गॉट होम एंड डिस्कवर्ड दैट द रूबी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. ही हरीड बैक टू द किंग एंड रिपोर्टेड द लॉस. योर माइजेस्टी, ही सेड, इफ यू विल अलाउ मी अ फ्यू डेज ग्रेस, आई होप टू फाइंड इट एंड ब्रिंग इट बैक टू यू. अब वो मिनिस्टर अपने घर गया, उसे वहाँ पे जहाँ पे उसने रूबी रखी थी उसे नहीं मिली. ठीक है, तो वो वापस अपने राजा के पास आया. ठीक है, दुखी होकर सैड होकर आया कि भाई वो अभी मुझे नहीं मिल रही है, एक काम करो राजा जी, आप मुझे ना एक दो दिन का टाइम और दे दो, मैं आपको वो रूबी रिंग ला करके जरूर दे दूंगा. वेरी वेल, सेड द किंग लाफिंग टू हिमसेल्फ, आई गिव यू 3 days इन विच फाइंड द रूबी. इफ एट द एंड ऑफ दैट टाइम यू फेल टू फाइंड इट, Your life and the lives of all those who are dear to you will be fortified, and your house will be razed to the ground and plugged up by donkeys.
ठीक है। राजा कहता है चलो ठीक है, तुम्हें मैंने 3 दिन का टाइम दिया, तुम 3 दिन का टाइम लो और मेरे लिए वो अंगूठी लेके आओ। तो कहता अगर तुम 3 दिन के बाद वो अंगूठी लाने में असमर्थ रहे, मतलब नहीं ला पाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फांसी की सजा सुना दूंगा, मतलब तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा जो हाउस है उसे भी मैं डिमोलिश कर दूंगा, तोड़ दूंगा। द मिनिस्टर लेफ्ट द पैलेस विद अ हैवी हार्ट। ही सर्च एवरीवेयर फॉर द लॉस्ट ज्वेल, बट बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ही डिड नॉट हैव मच होप ऑफ फाइंडिंग इट। ठीक है, अब वो जो मिनिस्टर था बहुत उदास हुआ, उसे नहीं पता था कि वो रिंग कहाँ चली गई, तो वो बहुत ही उदास था और वो ढूंढ भी रहा था और वो मनी मन सोच रहा था कि वो रिंग अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आई हैव नो वन ही थॉट टू हूम आई कैन लीव माई रिचेज एंड पोजेशंस, माई वाइफ इज द ओनली सोल ऑन अर्थ हु इज डियर टू मी एंड इट सीम्स वी मस्ट बो डाई आफ्टर 3 days, वट कुड बी बेटर देन टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स लेफ्ट टू अस बाय एंजॉइंग आर सेल्फ। अब वो घर आके सोचता है कि मेरा तो कोई भी नहीं है सिवाय मेरी वाइफ के, और मेरी जो संपत्ति है उससे क्या होगा, वो भी क्या होगी, मेरे जाने के बाद कोई है ही नहीं जिसको जो वो उसको खर्च कर पाएगा, जिसके लिए जिसके नाम मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक प्लान बनाता है, वो सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जितनी भी मेरी अभी संपत्ति बची है, पैसा बचा है, वो मैं क्या कर देता हूँ, उसे अपने एंजॉयमेंट में खर्च कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है अब 3 दिन बाद तो भाई उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसको वो रूबी रिंग तो कहीं नहीं मिल रही थी, वो मिल ही नहीं सकती थी, वो उसके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो जितने भी दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, मैं और मेरी वाइफ करते हैं, मजे से रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। In this mood, he told his wife about the king's decision. Let us spend our wealth liberally and freely, he said, for soon we must die. His wife sighed deeply and only said, as you wish, fate has dealt us a cruel blow. Let us take it with dignity and good cheer. ठीक है, अब वो अपनी वाइफ को सारी बात बताता है, तो उसकी वाइफ भी अग्री कर जाती है, ठीक है, एज यू विश, मतलब अगर तुम चाहते हो हम सारे पैसे खर्च कर दें तो ऐसा ही होगा। फिर वो सबके सब पैसे क्या करते हैं, वो खर्च कर देता है और क्या करता है, अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देता है। दैट डे पीपल सॉ द कमेंसमेंट ऑफ अ पीरियड ऑफ ग्रेट रेवलरी इन द चीफ मिनिस्टर्स हाउस। म्यूजिशियंस वर इंगेज एंड द हॉल वर फिल्ड विद गेस्ट्स, रिच फूड वर सर्व्ड and night and day the sound of music and laughter filled the house। अब क्या करने, क्या हुआ, जब उसने सोचा कि चलो मैं जितना भी पैसा मेरे पास बचा है मैं क्या करता हूँ, उसको अपने आप इंजॉय करने में खर्च कर देता हूँ, तो लोगों ने देखा उनके घर से बहुत म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारे लोगों को पार्टी में बुलाया गया, दावत दी गई, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया गया और सबके सब क्या कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। इन एडिशन लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फूड वर प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू द पुअर। नो वन हु केम टू The house was allowed to leave empty-handed. Tradesmen bearing presents were rewarded with gold coins and went away rejoicing. ठीक है, अब उसने खुद तो enjoy किया ही, उसने क्या किया, खाना बनाकर poor लोग जो गरीब लोग होते हैं उन्होंने उनमें भी बांटा। ठीक है, मतलब खुद तो खुश रहे, उसने बाकी लोगों को भी अपने थ्रू खुश रखा। On the morning of the last day of the minister's life, a fisherman living in a village nearby caught a लार्ज रोहू, द मोस्ट डिलीशियस ऑफ इंडियन फ्रेश वाटर फिश। इमिजिएटली ही ब्रॉट द फिश टू द मिनिस्टर्स हाउस। द मिनिस्टर वॉज प्लीज टू सी सच अ फाइन रोहू एंड गेव हिम 2 gold coins। बींग वेरी फॉन्ड ऑफ फिश करी, ही सेड टू हिज वाइफ, लेट्स हैव वन ऑफ योर डिलाइटफुल फिश करीज फॉर लंच टूडे, फॉर वी विल नेवर बी एबल टू इंजॉय इट अगेन। Now here's a fine rohu. Let's take it to the kitchen and have it clean. ठीक है, अब जब लास्ट डे था, मतलब उन्होंने फर्स्ट 2 दिन तो खूब इंजॉय किया, जो तीसरा दिन था तो उसने कहा कि चलो आज लंच में क्या बनाते हैं, फिश करी बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक फिशरमैन को बुलाया, फिशेज लेके उससे अच्छी फिश निकलवाई जिसका नाम था रोहू। उसने उसको बोला कि इसको आप क्लीन कर दो, क्योंकि आज हम क्या बनाएंगे, आज हम फिश बनाएंगे, आज हमारी जिंदगी का क्या है, लास्ट डे है, तो हम क्या करेंगे, आज फिश करी बना करके खाएंगे। He and his wife sat together to see the fish cut. As the cook thrust his knife into the fish belly, out dropped the ruby which had been thrown into the river. The minister and his wife were overcome with astonishment and joy. They washed the ruby in perfumed water and then the minister hastened to return it to the
किंग, ठीक है। अब जैसे उस फिशरमैन ने उस फिश को काटा तो उस फिश के पेट से क्या निकली, रूबी निकली, वो रिंग निकली जो राजा ने कहाँ फेंक दी थी, रिवर में भी फेंक दी थी, ठीक है। अब बच्चों कोइंसिडेंट देखो कि जब राजा ने उस रिंग को रिवर में फेंका तो वो रिवर किसके पेट में चलेगी, फिश के पेट में चलेगी, और वही फिश फिशरमैन उस मिनिस्टर को बेचने के लिए लाया, तो वो रूबी रिंग को देखकर बहुत ही खुश हुआ और वो उस रूबी रिंग को उसको अच्छे से धोया, उसको परफ्यूम वर्फ्यूम डाला, क्योंकि राजा को तो नहीं पता चलने दे रहा था कि उसको फिश कहाँ से मिली, तो उसको परफ्यूम वगैरह डालकर उसको वापस राजा के पास रिटर्न करने के लिए चला गया। द किंग वॉज इक्वली अमेज्ड टू सी द रूबी विच ही हैड थ्रोन इन टू द रिवर। ही एट वंस डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स रिकवरी। द मिनिस्टर टोल्ड हिम हाउ ही हैड डिसाइडेड टू स्पेंड ऑल हिज रिचेज एंड हाउ ही हैड रिसीव द प्रेजेंट ऑफ अ फिश इन विच द लॉस्ट रूबी वॉज फाउंड, ठीक है। अब वो मिनिस्टर तो सरप्राइज था ही, राजा भी ये देख के सरप्राइज हो गया कि भाई ये रिंग इसको कैसे मिली, तो उसने उससे पूछा कि भाई ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली, तो उसने उसे बताया कि भाई आपने तो मुझे 3 दिन का टाइम दिया था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि 3 दिन मैं खूब इंजॉय करूँगा, खूब खाऊंगा पीऊँगा मस्ती करूँगा पार्टी करूँगा, और उसी चक्कर में मैंने इस फिश को मंगवाया था। अब ये फिश को मैंने मंगवाया, इसको कट किया तो उसके पेट में से क्या निकली, रूबी निकली। द किंग देन एक्नॉलेज द पार्ट ही हैड प्लेड इन द लॉस ऑफ द रूबी, बट आई सी दैट यू टुक योर ओन एडवाइस टू मी, ही सेड, एंड्योर सोरो चेयरफुली। ही बेस्टोड हाई ऑनर्स ऑन द मिनिस्टर एंड कमेंडेड हिज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर ऑल हिज कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स, एंड सो द मिनिस्टर्स एविल फॉर्चून वॉज चेंज टू गुड, एंड मे द एटर्नल डिस्पेंसर ऑफ ऑल गुड्स दस डील विद हिज सर्वेंट्स, ठीक है। अब उस राजा को बहुत खुशी हुई, हालांकि वो नहीं बताना चाहता था कि भाई मैंने वो की थी, उसने अपनी बात नहीं बताई, उसने बस खुशी हुई कि हाँ जो मिनिस्टर था जो स्टार्टिंग में क्या कह रहा था कि राजा जी आपको सैड नहीं होना चाहिए, तो उसने उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई ये क्या कह रहा था, ये सही कह रहा था, हमें अपने सोरोस को आगे तक नहीं ले जाना चाहिए, मतलब उनको इतना खींचना नहीं चाहिए रबड़ की तरह, अपने दुख को क्या होता है खींचना चाहिए रबड़ की तरह, भाई इसको हमें खुशी खुशी टैकल करना चाहिए, खुशी मतलब बिल्कुल हंस के भी नहीं, मतलब ये होता है कि अगर आप दुख को ज़्यादा और दुखी बनाओगे और दुखी होकर उसको झेलोगे तो क्या होगा, आपका दुख बड़ा लगेगा, तो आप थोड़ा सा चेयरफुल रहोगे कि हाँ भाई चलो दुखी है हमें इजीली इसे काटना है, इस एटीट्यूड के साथ आप दुख को काटोगे तो आपका दुख इजीली कट जाएगा, तो यही उसको मिनिस्टर बताना चाह रहा था, तो राजा को ये बात समझ में आई और उसने उसकी प्रशंसा की सारे मिनिस्टर्स के आगे, तो इसके बाद वो राजा अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छे से रहा, ठीक है। तो बच्चों ये थी स्टोरी द रूबी रिंग की, कैसी लगी ये स्टोरी, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।